जय हिंद प्यारे बच्चों, दोनों ऑफिशियल अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा आप सभी का दोबारा स्वागत है। इस समय हम मिशन एनडीए कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आपने कॉन्सेप्ट की पढ़ाई नहीं किया है तब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे तब तक बेटा आपने सिलेक्शन के बारे में ना सोचें। इसलिए हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो डिटरमिनेंट टॉपिक है, आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा भी है। लेकिन जब हम एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उन्हीं कॉन्सेप्ट को कुछ अलग ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि हमें शॉर्ट टेक्स्ट को पढ़ना होता है, हमें इसकी कुछ फंडामेंटल चीज़ों को पढ़ना होता है। तो आज हम उन्हीं शॉर्ट टेक्स्ट की बात करेंगे, उन्हीं फंडामेंटल चीज़ों की बात करेंगे जो कि 12th टॉपिक से डिफरेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए अगर आपने अंत तक वीडियो को देख लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है बेटा, शुरू करें बगैर कोई समय गंवाए, आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बेटा देखेंगे, यहाँ पे अच्छा देखो, हमने आपको इसके पहले दो वीडियो बना करके दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। उन वीडियो में हमने आपको बताया है डिटरमिनेंट होता क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। जब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है बेटा तब तक आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, और हमारे जो अपकमिंग वीडियो है वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा सुझाव ये है कि आप उन वीडियो को ज़रूर आप देखिए, ठीक है। और आज का जो वीडियो है उन्हीं वीडियो पर आधारित है, और अगर आप उन वीडियो को देखेंगे यकीन मानिए ये सब समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उन्हीं वीडियो से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है बेटा यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोज आपको पता ही है, ट्रांसपोज आपको पता ही है, आपको ट्रांसपोज पता ही है। अगर हमने किसी डिटरमिनेंट का हमने ट्रांसपोज कर दिया तो बेटा उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमने किसी डिटरमिनेंट के को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बेटा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी है, ये आपने इसको सॉल्व किया ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया ए सी बी डी हो जाएगा, तो भी इसको सॉल्व करेंगे ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 4, 1, 5 10 माइनस 4 6 हो गया, हमने ट्रांसपोज कर दिया, हमने ट्रांसपोज कर दिया बेटा। यहाँ पे जब ट्रांसपोज करेंगे हम तो 2, 1, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को हम कॉलम में कर दें, कॉलम को हम रो में कर दें। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तो रो को हम कॉलम में कर दें और कॉलम को हम रो में कर दें, यही होता है ट्रांसपोज। अब देखेंगे ये 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो आपको बता रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं, इसके पहले भी हमने बताया इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आप समझ गए हैं, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें बेटा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि किसी अगर हम डिटरमिनेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सभी में करेंगे, कहने का मतलब यह है। जैसे मान लो ये है
2, 4, 3, 5 हमने 3 से किया मल्टीप्लाई। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये जो हो जाएगा, सभी में करो, 8, 12, 9, 15 ये हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सभी में करेंगे, ठीक है। इसमें हम करेंगे, इसमें हम करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सभी में करेंगे, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है बेटा। यही क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। आप समझ गए यहाँ तक, आप समझ गए ये, आगे बढ़ें। बाकी और सब फालतू चीज़ें हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सभी में करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इस फार्मूले को ध्यान में रखना, बाकी और चीज़ें फालतू मत पढ़ना। यहाँ पर देखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेंट के ए की पावर क्या होता है, डिटर्मिनेंट के ए है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, कि अगर ऑर्डर अगर 2/2 हो, तो पूछा जाए 3a, इसकी वैल्यू पूछा जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा, देखो 3 का स्क्वायर डिटरमिनेंट a हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 9 डिटरमिनेंट a हो जाता है। समझ गए आप यहां तक, जो मैंने आपको बताया, समझ गए ना आप यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है आपके एनडीए के लिए। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, डिटर्मिनेंट अगर के ए दिया गया है तो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए हो जाता है, जैसे यहाँ पे है। अगर ऑर्डर ये एन क्या है बेटा, एन जो है यहाँ पे ऑर्डर है, ये एन क्या है, ऑर्डर है। अगर ऑर्डर 2/2 है तो डिटर्मिनेंट 3a अगर पूछा जाए, 3 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ए हो जाता है, यानी 9 डिटरमिनेंट ए हो जाता है। इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, बताइए भाई आप समझ गए ना यहाँ तक क्या हुआ, कैसे हुआ। आगे बढ़े, अच्छा अगर आपसे एलिमेंट पूछ ले, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो आप समझ ही गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है बेटा यहाँ पे, अगर ये 2, 1, 3 अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, अगर आपसे क्या पूछ ले, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे, n का स्क्वायर होता है, ये 3/3 है ये, तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक बातें आए सर में। अगर आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, ठीक है, तो 3/3 अगर दिया है बेटा ये, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक आप मेरी बात समझ लीजिए, जो मैंने कहा है बोलो, अब समझ गए ना ये। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी ये है बेटा, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी ये है, ए डिटरमिनेंट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू आर मोर डिटरमिनेंट्स, दैट इज
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अब इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, मेरी आवाज़ जा रही ना बेटा? ठीक है, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का मतलब है बेटा कि अगर ये जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ए प्लस एक्स बी सी डी प्लस वाई ई एफ जी प्लस जेड एच आई अगर दिया गया है ये, अगर ये जुड़ा हुआ है बेटा तो क्या कर देंगे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो जाएगा, और फिर एक बार एक्स बी सी होगा, वाई ई एफ होगा और जेड एच आई होगा, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ गए हैं, आसान सा है, कोई कठिन नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, इसमें वही कहा गया है, इसमें वही कहा गया है जो मैंने आपको बताया है। इसमें क्या बेटा देखेंगे, देखो ए प्लस के जी है, बी प्लस के एच, सी प्लस के आई है ना, तो इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, इसको एक साथ कर लो और फिर ये एक साथ कर लो, ये वाला पोर्शन है ना, क्योंकि प्लस में दिया है तो अलग अलग कर लो ये, जब प्लस में दिया है तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ये, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो जाएगा, के जी के एच के आई और यहाँ पे डी एफ और जी एच आई हो जाएगा। मतलब उसी पे है कि मान लो अगर दो अगर जुड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, अगर दो जुड़े हुए हैं तो क्या हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो ये आपके लिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है कैसे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ऐसे दिया गया है, मान ली ए बी सी है, एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, एक्स थ्री वाई थ्री है। ठीक है, अगर दिया गया है, अगर इसके तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, अगर इसके तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो आपसे अगर पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, ठीक है, ये फार्मूला होता है वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन या वन बाई टू, ये भी फार्मूला होता है एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री वाई टू माइनस वाई थ्री, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, ये होता है एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई टू, वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री। तीसरा फार्मूला बेटा यहाँ पे दिया है, ये तीसरा फार्मूला ये है वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री एक्स टू थ्री माइनस वाई वन, ठीक है बेटा, और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका है बेटा वन टू थ्री टू थ्री वन टू, ये याद करने का तरीका है, ये क्लियर है, वो फिर से आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के तीन फार्मूले हैं, क्या क्या है, पहला फार्मूला ये है वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, दूसरा फार्मूला क्या है बेटा वन बाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस बाई टू
एक्स टू माइनस एक्स थ्री वाई टू माइनस वाई थ्री हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें यहाँ पे, वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन और एक्स थ्री वाई माइनस वाई टू, ठीक है। ये याद करने का तरीका क्या है, देखो वन टू थ्री है तो वन टू थ्री लिख दिया, टू थ्री वन है टू थ्री वन लिख दिया, थ्री वन टू है थ्री वन टू लिख दिया। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है ना। इस तरीके से क्या निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला ये है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला ये है, ठीक है। क्या है फार्मूला, वन बाई टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री एक्स टू माइनस एक्स फोर वाई टू माइनस वाई फोर, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का। जो फार्मूला होता है वन बाई टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री एक्स टू माइनस एक्स फोर वाई टू माइनस वाई फोर, ये होता है भाई। इसमें चार क्वाड्रेंट दिए रहेंगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर, इसमें चार दिए रहते हैं, वही किया हमने। दूसरा फार्मूला बेटा ये है, वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन एक्स थ्री वाई थ्री वन एक्स फोर वाई फोर वन, इस तरीके से हमारा दूसरा फार्मूला है। लेकिन हमारा जो पॉपुलर फार्मूला है ये वाला है, एक्स वन माइनस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री एक्स टू माइनस एक्स फोर वाई टू माइनस वाई फोर, ये हमारा क्या है बेटा, पॉपुलर फार्मूला है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, जो पढ़ा दूंगा उसी में से क्वेश्चन बनेगा, इस बात का भरोसा रखिए। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, इसलिए कि विश्वास मान के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तभी आपका फ़ायदा होगा। आप इसको नोट करिए फटाफट, हो गया ये, आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब ये है, देखेंगे यहाँ पे ए बी एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू, यहाँ पे पी एक्स वाई है, ए एक्स वन वाई वन है, बी एक्स टू वाई टू है, पी क्या है, एक्स वाई है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, देखो अब यहाँ पे देखो इसके लिए फार्मूला क्या है बेटा, एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन क्या है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता ही है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन का आपके एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा क्या बताया जा रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वन पी एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन, आप इसके सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, ये क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स है ना। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे लाई करें, कोलिनियर कोलिनियर, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू
सी एक्स थ्री वाई थ्री, है ना, इतनी बातें। तो जो ए बी सी क्या है ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, जो ए बी सी क्या है ये ए बी सी ये क्या कहलाएंगे, ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है बेटा, ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और जो ए बी सी जो लाइन होती है ए सी, ये जो होती है कोलिनियर लाइन होती है, ये कोलिनियर लाइन होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप समझ गए इतनी बातें। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला होता है एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फिर, आप आगे सुन में हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। क्रेमर्स रूल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर यहाँ पे दिया जाए बेटा, अगर यहाँ पे ए वन एक्स दिया जाए, बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो अगर दे दिया जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। इसकी कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, ये होता है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ए वन एक्स प्लस बी वन प्लस सी वन ए टू प्लस बी टू इज इक्वल टू इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वो कंडीशन होती है। नो सॉल्यूशन कंडीशन ये होती है, यूनिक सॉल्यूशन का ये होता है, ठीक है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस की चर्चा हम बाद में करेंगे, जब हम आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। जो भी आपके यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात का पता चल सके कि किन किन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। उनके पास ऐसे वीडियो ऐसे चैनल को पास शेयर करिए, ताकि उनको इस बात का पता चल सके, ठीक है बेटा। बाकी अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे बेटा, तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। बाकी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपने हर वीडियो में देता हूँ मतलब कि बेटा आपको फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फुल कंटेंट के लिए जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। अगर आपको कोचिंग नहीं मिल पा रही है, अगर आपको बढ़िया मार्गदर्शक नहीं मिल पा रहा है, तो आप देहरादून आ सकते हैं, आप दून ऑफिसर अकेडमी आ सकते हैं। आप इस दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में पता कर लीजिए। ऑफलाइन बैच का बेटा अलग ही मज़ा होता है। हम आपको यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहे हैं, उसकी वजह है कि हमारे पास टाइम की कमी रहती है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में इंगेज रहते हैं। अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें, मैथ की क्लास दो घंटे की, रिविजन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। इससे ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ से बढ़िया रिजल्ट भी है। बाकी आप यहाँ पर आएँगे देहरादून, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।